बॉलीवुड में आजकल नए नए कोलैबोरेशन हो रहे हैं, जिन लोगों के बीच में कभी भी कोई साझेदारी की गुंजाइश नहीं थी वो आजकल हाथ मिला रहे हैं, साथ में मूवी कर रहे हैं और पार्टनरशिप को भी दोहरा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल साउथ के बड़े स्टार जूनियर एनटीआर ऋतिक की वॉर 2 में विलन का रोल कर रहे हैं, जो कि नॉर्थ एंड साउथ का बहुत ही डिफरेंट कोल कनेक्शन है। इसके अलावा सनी देओल ने भी आमिर खान के साथ तगड़ा कोलैबोरेशन किया है। आमिर खान के प्रोडक्शन हाउस के तहत वो पहली बार सोलो हीरो के तौर पर काम करेंगे। मूवी का नाम होगा लाहौर 1947। ये अजूबा भी इस बार हमको देखने को मिला, जबकि आमिर खान सनी देओल के बीच में कोई भी कनेक्शन आज तक देखने को नहीं मिला है। दोनों की दुश्मनी भी काफी पॉपुलर रही है। कहा जाता है दोनों की फिल्म में बार बार क्लैश होती थी, फिर चाहे वो दिल के साथ घायल हो, घातक के साथ राजा हिंदुस्तानी हो या फिर गदर के साथ लगान। जब जब दोनों क्लैशेज हुए दोनों को फायदा भले हुआ हो, लेकिन दोनों को मुनाफा भी आधा आधा बांटना पड़ा है, जिसकी वजह से दोनों के बीच में केमिस्ट्री कुछ खास नहीं बनी। इवन गदर के टाइम पर लगान को जब पब्लिसिटी के साथ बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला बॉलीवुड का, तब सनी देओल ने गुस्से में कहा था लगान बहुत ही खराब मूवी है, सिर्फ पब्लिक ने उसको सिर पर चढ़ाया है, सेलिब्रिटी ने स्पेशल सपोर्ट किया है, जबकि उनकी गदर को पब्लिक से प्योर मास सपोर्ट मिला। ये बात सनी देओल कई इंटरव्यू में कह चुके हैं। लेकिन जैसे ही सनी देओल ने गदर 2 की सक्सेस पार्टी रखी और आमिर खान वहां पहुंचे, तब पूरा सीन चेंज हो गया। लोगों को समझ में नहीं आया आखिर दो जानी दुश्मन एक साथ कैसे आ गए। हालांकि इसके पीछे खिचड़ी बहुत पहले पक चुकी थी, वो भी आमिर खान के घर में। आमिर के घर में संतोषी बहुत टाइम पहले पहुंचे थे अपनी इसी मूवी की यानी लाहौर 1947 की स्क्रिप्ट नरेशन के लिए, और बाद में जैसे ही सनी का नाम फाइनल हुआ तभी से दोनों के बीच में दोस्ती वापस सेट हो गई और दोनों नजर आए गदर 2 की सक्सेस पार्टी में। हालांकि कहने वाले कहते हैं दोनों ने एक साथ कभी काम नहीं किया, लेकिन आपको बताते हैं दोनों ने एक मूवी में एक साथ काम किया है जिसका नाम है दामिनी। दामिनी मूवी राजकुमार संतोषी ने बनाई थी और राजकुमार संतोषी के दोस्ताना बिहेवियर के चलते आमिर खान ने कैमियो किया था। आपको याद होगा इस मूवी में एक गाना था मीनाक्षी सेसादरी का, जिसके बोलते बिन सावन झूला झूलू। वहां पर आमिर खान मीनाक्षी का स्पेशल डांस नंबर था, जो कि एक तरह से इंट्रोडक्शन सीन था मीनाक्षी का। वहां पर आमिर खान ने स्पेशल कैमियो किया था बिकॉज संतोषी के साथ वो पहले अंदाज अपना अपना कर चुके थे। ये पहली मूवी कह सकते हैं फिल्मोग्राफी के हिसाब से जहां पर सनी देओल, ऋषि कपूर और आमिर खान एक साथ काम करते हैं। हालांकि सबके सीन सारे साथ में नहीं शूट हुए, फिर भी एक फिल्मोग्राफी के क्रेडिट में तीनों का नाम तो आता ही है। तो हम ये नहीं कह सकते आमिर खान ने सनी देओल ने एक मूवी में काम नहीं किया, दोनों ने दामिनी में साथ काम किया है। हाँ ये बात कह सकते हैं दोनों ने कभी भी बहुत डिफरेंट और लीड रोल में एक साथ स्क्रीन स्पेस शेयर नहीं किया। बड़ा लगता है आने वाले टाइम में मूवी पॉसिबल होगा, बिकॉज अगर लाहौर 1947 चल जाती है तब जरूर आमिर खान सनी देओल के साथ काम करेंगे, वो भी फुल लेंथ रोल में। तो दोस्तों उम्मीद है आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। अगर हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा।